जर्नी है छगन भुजबल जी साहब को इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय भुजबल साहब, मंच पर विराजमान हुए हैं हमारे मित्र मंत्री महोदय महादेव जी जयंत सह, आदरणीय विश्वनाथ जी पाटिल, भवन तारोड़े जी, मुश्तावा फारूक जी, कैलाश गौ, कल्याण दड़े, रोज की, जिन्होंने जो है हम सब और आपको एक जगह एलाने की भरसक कोशिश की है। वो हमारे बहुत ही पुराने मित्र जो है शबीर अहमद अंसारी साहब, सईद खान वजीर अंसारी। मैं किसी पार्टी के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर जो है टिका टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर जो हो रहा है इस देश में सबको पता है किस ढंग से किस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने जो संविधान बनाया और 26 जनवरी 1950 में उसको अमल में लाने की कोशिश हमने शुरू कर दी, और तभी जो है बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि संविधान को हम लोगों ने बनाया काफी अच्छा बनाया है, और वो सही है, क्योंकि आज भी कोई भी नया देश अगर निर्माण होता है पूरी दुनिया में और उनका संविधान वो बनाना चाहते हैं तो भारत का संविधान जो है उसको वो बुलाते हैं, मतलब मंगाते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, स्टडी करते हैं और उस पे जो है उनका संविधान वो खुद बनाते हैं। ऐसा है ये हमारा भारत का संविधान, और ये वो संविधान है भारत को आजाद हुआ तो हमारे साथ तो बहुत सारे जो है पाकिस्तान आजाद हुआ, श्रीलंका है, फलाना है, ये है, वो है, बाद में जो है बांग्लादेश है, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। मगर उसके बाद जो है आपने क्या देखा कि भारत छोड़कर हिंदुस्तान छोड़कर सारा हमारे जो देश है वहां संविधान का टूटा, जनतंत्र टूटा, हुकुमशाही वहां जो है डिक्टेटर सिपाही मिलिट्री में थी, फिर जनतंत्र आया, फिर मिलिट्री आया, ऐसा चलता है। मगर एक ही देश है हिंदुस्तान जहां कई सारी भाषाएं हैं, कई सारे जो है धर्म है, कई सारे प्रांत है, कई सारी जातियां है, उसके बावजूद आज इतने सालों के बाद ये देश जो है एक जगह पर हिम्मत के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है, उसका श्रेय जो जाता है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को। संविधान ने इन सब लोगों को जुड़ाने की या सम्मान अधिकार देने की बात ना होती नहीं हुआ। मैं बाबा साहब ने यह भी कहा था कि संविधान तो बहुत अच्छा बना, मगर संविधान की तो ऐसी बात है कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छे लोगों के हाथ में गया तो समझो इसका जो है 16 हो गया, और बुरे लोगों के हाथों में गया तो इसका जो फिर मतलब उस संविधान को जो है अमल में कौन लाने की कोशिश कर रहा है संविधान के मुताबिक, कौन अपना शासन चला रहा है इसके ऊपर भी जो है ये संविधान ये कामयाब रहा या नहीं रहा वो भी तय होगा। अगर
गलत लोगों के हाथों में संविधान गया तो उसका कोई कीमत नहीं है। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, मगर आज जो है जगह जगह पर एक आक्रोश है, एक रोना है। सबको पता है कि हिंदू मुसलमान जो है एक जगह पर रहने वाले जो है आज पूरे देश भर में जो है इनमें जो है भाईचारा खत्म होने की जो बात हो गई है ये कितनी दुखदायक बात है। भाईचारा नष्ट करने की जो है बातें चल रही है, बातें हुई है, हिंसा शुरू है, कई अखबार को मार दिया, रोई वेमुला कभी नदी कभी छोटी जो अस्तीफा उसी का ऊपर जो है बलात्कार हुआ। आपने एक मैं गुप्ता ने बिल्कुल सही कहा, जहां बलात्कार होता है वो हिंदू है मुसलमान है वो मराठा है ये माली है या और कोई कुम्हार है ये सवाल पैदा नहीं होता, वो हमारी संस्कृति लड़की है क्या कर रहे हैं। कई जगह जो है दलितों पर अत्याचार होते हैं पर हम चुप रहते हैं, तो क्या हमारा काम नहीं है ओबीसी का अगर दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ तो हम लोग खड़े हो जाए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी ओबीसी की जो है दिमाग के लिए झगड़ा हो रहा है जो इसके पहले कई बार जो है दलित लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी ने हमारा साथ दिया है, गलत हम है जहां लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, क्या हमको ये कबूल नहीं है, कबूल करना पड़ेगा। हम सब लोग करते जो जैसे आपने कहा कि सब लोग एक होकर एक होकर लड़ तो हम सबको साथ होकर लड़ने की बात होनी चाहिए। इसलिए तो हमने कहा कि भाई ठीक है अगर स्कूलों में अगर भगवद गीता का जो है अगर बांटने का काम होगा तो चलो ठीक है, फिर जो है बाइबल का भी जो है किसको चाहिए उसको भी बांटो, कुरान जो है जिसको पसंद है उसको कुरान को स्टडी करने दो सबको। हमारे जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, अरे सर स्टडी करके सर वो भगवदगीता का भी स्टडी था, कुरान का भी था, बाइबल का भी था। इससे जो है पता चलता है कि कोई मजहब नहीं दिखाता वहां पर उसमें बैल रख रहा है, हिंदू है मगर है हिंदू सभा हमारा वहां से सिखा कपाट में जो है पड़ी हुई गीता और कुरान की जो किताबें हैं वो आपस में नहीं लड़ती है, लड़ते तो वो है कि जिसने ना गीता पढ़ी ना कुरान। मुसलमान भी है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये देश जो है सबका है तुम्हारा भी है, और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि हम बोल रहे हमारा देश है हम घर यहाँ पैदा हुआ, लेकिन इस देश के आजादी के लिए कई सारे लोगों ने जो है अपनी जो जाने को बांध कर दिया। क्या आपको पता है सारे जहां से अच्छा है भोज का हमारा हम बुलबुले है उसकी हमारा किसने लिखा है भाई
हराम जो गिरफ्तार किए हुए थे विद्रोही मोगला 50,000 से भी ज्यादा थे, 10,000 लोग जो है उनमें से शहीद कर दिए गए। किसको पता है? अंडमान में जो 20,000 से ज्यादा जो है मुस्लिम अंडमान भेजे गए थे वो वापस कभी नहीं आए, काला पानी वहां खत्म हो गया। लाल किले पर चढ़ना किसने पहले कराया था? जनरल शाहनवाज खान ने ही पहला लाल किले के ऊपर तिरंगा फहराया। और आज के हिसाब से करीबन 7,000 करोड़ रुपया आजादी के लड़ाई के लिए जो खर्च करने वाला इंसान था उसका अंदाज उस मान से जो भाषण करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बाद में कहते हैं जय हिंद, ये नारा किसने दिया था? अभी हसन साफरानी साहब ने दिया था। तो कहां कहां गए ये सब लोग? कुर्बानी देने वाले में है, लोगों को उठाने के लिए जो हिम्मत देने के लिए जो काम करना था उसमें जो है वो आगे है। तो ये तो पहले आप पूछो कि ये जो है अब हक है और ये संविधान, संविधान की जो फिलहाल संविधान के साथ हो रहा है कि तुमने ये नहीं कहना चाहिए, तुम ये कहेंगे पाकिस्तान जाओ, तुम ये कहेंगे बांग्लादेश जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, वे क्यों जाए? ये संविधान ने कहा है कि हमको ये बोलने की इजाजत है, हमने क्या खाना चाहिए इजाजत है, कौन से कपड़े पहनना चाहिए इजाजत है, क्या लिखना चाहिए इजाजत है। हाँ, हमने देश के खिलाफ कोई अगर देशद्रोह जो किया हमने बगावत की तो जरूर हमको फांसी दो। मैं कहता हूं अगर हमें एक बात एक चीज अगर पसंद नहीं है आप कहेंगे इसको करवाइए हमें मंजूर नहीं है। ये आजादी जो है ये है ये ऐसे जो है और कोई कहे और हमारी आजादी हम छोड़ दे इसके लिए ये आजादी नहीं मिली है। ये आपको जो है ध्यान में रखना होगा और हमारे बहुत दुर्भाग्य की बात है कि संविधान बदलने की जो है भाषा बार बार चल रही है और इसलिए आपने कहा कि संविधान के जो सम्मान रखना है तो संविधान को बचाना है। हमारे केंद्रीय जो मिनिस्टर साहब जो है भारत सरकार के उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है दोनों सभा का मतलब के पार्लियामेंट और राज्यसभा में क्योंकि हमारी जो है मेजोरिटी नहीं है, जब मेजोरिटी आएगी तो संविधान जरूर बदलेंगे। कर्नाटक में एक ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने कहा। अब ये कैसे हो रहा है? अगर छोटा बच्चा कोई कहे या और कोई दूसरा कुछ कहे तो हम समझ सकते, अगर हम कुछ कहे या कोई मिनिस्टर साहब कहे और वो भी केंद्र के मंत्री कहे तो लोग क्या समझे, इससे आप क्या शिक्षा दे, कैसे आगे बढ़े, क्या होने वाला है आगे? इसलिए जो है उसके बारे में तो बहुत सारा मैं कुछ बोल सकता हूं, मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए जो दौड़ में दौड़ कर आपको हरा सकते नहीं, जो दौड़ में दौड़ कर आपको हरा सकते नहीं वो तुमको तोड़ कर हराना चाहते हैं।
होता है कुछ कुछ जो है, कभी कभी जो है संकट की घड़ी जो है मुश्किलें सामने आती है, हमारे भी सामने आ रही, ठीक है, चलो ठीक है, जो मिला ये भी सही वो भी सही। हाँ वो तो ठीक है, मैंने कहा ना कि जब तक लोगों में जो अगर भुजबल है तो भुजबल जो है खड़ा होगा। ख्वाब उठे हैं मगर हंसते अभी जिंदा है, और मैं वो शख्स हूं जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। मेरे हाउस के तुझसे भी बड़े हैं। लड़ेंगे भाई, चुपचाप नहीं बैठेंगे, चुपचाप बैठने के लिए यहाँ पैदा ही नहीं। अब ये जो बातें जो है हम लोग जो ओबीसी की जो कह रहे हैं भाई, इसके बारे में जो है थोड़ा सोचो। ये तो ठीक है, एक तो जो है ओबीसी कैसे हुआ, क्या हुआ ओबीसी का, वो तो आपको पता है। बिल्कुल कहा इन्होंने जो है हमारे अंसारी साहब ने जो है बहुत बड़ी लड़ाई इसके लिए, जो मंडल आयोग की लड़ाई जो है बहुत बड़ी लड़ाई थी, छोटी सी लड़ाई थी। और जब वीपी सिंह साहब ने जो है उसको जो वहाँ डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है इस मंडल कमीशन का जो है स्वीकार करते हैं अवार्ड का, तब हमने जो हम मेयर थे हम शिवसेना के होता है, तो हमने जो है मेयर का ऐसे से स्वागत कर दिया था, और वहां सब जो है काम बिगड़ गया। फिर बहुत कुछ जो है इतिहास जो है इधर से उधर हो गया, क्या कर वो भाई वो उसके बारे में है। पर आगे चलकर जो है ये ओबीसी के बारे में छोड़ कर जब आया, ठीक है, ये मुझे कहना है कि समता परिषद की जो अपनी जो स्थापना की आपकी जो लड़े सब लोग लड़े, अब ये समता परिषद कैसे पैदा, एक ही दो दो सेंटेंस में कहूंगा। पहले तो मैं चाहता था कि बच्चे हो, ठीक है, माली समाज की जो है बहुत बड़ी जो है, अब मैं मिनिस्टर बना था नया नया, तो मैंने कहा कि माली समाज का एक भरपाल दस लाखों का जो है रैली कर, तो और नरसिम्हा राव साहब आ जाए, तो सुधाकर राव नायक मुख्यमंत्री और हम दोनों गए उनको भी बुलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भुजबल मराठी बोल रहे, तो यहाँ बोला असर बना, तो भी जो है माली समाज वाली रैली रैली भी होना था, तुम्हें सब ओबीसी समाज के रैली है, आप सिर्फ माली समाज के रैली मत लो, सबको जो ओबीसी जो है सबको सबकी रैली है। तो मैंने कहा अब सबकी रैली होनी चाहिए और इसके लिए नाम भी अच्छा होना चाहिए, और तब मुझे नाम पूछा कि नहीं है हमारा जो महात्मा ज्योतिराव फुले, जिसने जो है नर नारियों को सम्मान देने की बात कही, जिसने सारे हिंदू मुसलमानों को सम्मान देने की बात कही, जिसने सारे जो छोटे छोटे बारह आज जो हमारे छोटे छोटे तबके के लोग हैं उनको सम्मान देने की बात कही, उनके नाम से जो है हम एक संस्था निकाले, और इसलिए मैंने महात्मा फुले समता परिषद निकाली, जिसमें जो आज तारीख में भी अगर हमारे जो जिले के सारे जिले के अध्यक्ष और लोगों को आप देखेंगे 15-20% सिर्फ माली समाज के हैं, बाकी सोलापुर में तो इधर भगवान से लेकर कई सारे ऐसे जो अलग 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 तबके के लोग जो है उसमें काम कर रहे हैं, मगर फिर भी जो है होशियार लोग पॉलिटिक्स में बहुत रहते हैं। अगर कोई आगे का अरे वो क्या हो जैसे वो तो माली है, ओ अरे वो क्या ऐसा है वो, अरे वो तो धंग है, वो तो मुसलमान है, वो तो ये है, ये तो वो है, और हमारे समाज के लोग जो है इतने जो 54% हम है जो
पढ़े हुए हैं, करे तो करेगा। सबसे ज्यादा जो है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये 54% अगर एक जगह है और इसमें जो है फिर एससी और एसटी 20% आए तो 75% हो गया सबका दबा कुल। मगर ये होना नहीं था, ये होने नहीं देंगे। हर पार्टी में जो है बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, वो बराबर बोलेंगे भाई ये तो ये पार्टी जो है, अरे ये तो कुर्की है, तुम उसके पीछे कैसे जाता है, तुम तो मानी है, तुम दंगल है, तुम इधर आओ। दंगल को बोलेंगे अरे वो ऐसा है, तुम उसके पास पीछे क्यों जाता है, इधर आओ। ऐसा ही सब चलता है भाई। और इससे जो है हम लोग भरसक कोशिश करने के बावजूद जो है हम आज भी जो है पीछे पड़े हुए हैं। करें तो करें क्या, ये सब जो है तकलीफें जो आज की तकलीफें क्या कम है हमारे सामने। कई सारे जो है अभी ये तारवाड़े साहब ने भी जो उस दिन ये ली थी कॉन्फ्रेंस ली थी, वहां भी जो है सीएम साहब आए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई मैं ये करूंगा वो करता हूँ, ठीक है बड़ा अच्छा है। हम कहा क्या करें भाई, करना तो चाहिए किस कोई भी करे। मगर आज आपको पता है ये मंडल आए हो तो सारे हिंदुस्तान में घूमे, रामलीला मैदान भर गया पूरा, पटना में गांधी मैदान 7 लाख लोगों के रहे पता है, जयपुर में हुआ, आगरा में हुआ, यूपी में हरियाणा में हुआ, कई जगह आज भी जय मंडल कमीशन ने जो कहा 27% जो है आरक्षण देना चाहिए नहीं दिया गया। और मंडल कमीशन में सिर्फ आरक्षण की बात नहीं है और कई सारी बातें हैं। अरे मान ये पहली बात नहीं मिल रही है तो आगे कहा। आज भी क्या है हमारे यहां जो है, आपने सही कहा, कितने लोग जो है ओबीसी के लोग जो है उनको जो नौकरियां, एक अखबार में आया था 10-15 दिन 2 हफ्ते पहले, पूरे ओबीसी को मिलकर जो है 9% लोग जो है आज महाराष्ट्र सरकार के नौकरी में, सिर्फ 9%। अब बताया क्या ये 27% कैसे हो, क्योंकि जगह जगह पर ऐसे लोग बैठे हैं वो तो मिनिस्टर को तो कुछ पता नहीं चलता है। और मैं तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहा, मैं 25 साल तक जो है 25 साल में पहले बी के 5 साल लीडर ऑफ अपोजिशन और 20 साल मिनिस्टर, पता ही नहीं चला हम लोग बराबर ना भाई। वो नीचे वाला क्या था, एक बार आपने कहा ये कर दो फिर जो है वो नीचे वाला जो है उसका पेन चलता है, ये कर दो मगर ऐसा कर दो मगर वैसा कर दो हो गया फिर सब कबार। और फिर अपने मालूम ही नहीं करे नीचे का निकल, अरे भाई 9% नहीं करे तो कैसे आगे चलेंगे, ये अभिशेष जो है कैसे बनेगा। और मुझे याद है बिल्कुल ये अंसारी साहब जो है रवि भाई जो है उन्होंने एक दिन हमको बोला क्या मिला है दिलीप साहब को लेकर आए मंत्रालय में आए, और दिलीप साहब ने हमको जो है शाह वगैरह जो होता है ना, और उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे ही वही वही कहा उन्होंने वही शब्दों में, उज्जवल जी आप अगर माली है तो हम भी भगवान हूँ तो माली और भगवान एक ही है, खाटी और पुरुष एक ही है, काका और मनिया एक ही है। जब उनको हर इनको मिलना चाहिए, मैंने बिल्कुल मिलना चाहिए, दे दो लिस्ट, मैंने सब पूरी की पूरी लिस्ट देखी जितनी भी जो याद में आए उसने सब लोगों को डाल दिया, बोले ये भी उनके साथ जो है उनको भी जो है आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी का आरक्षण। तभी जो है पहली बार जो है पहले तो आरक्षण यहाँ जो मिला ये बिल्कुल कहना चाहिए मुझे कि पवार साहब चीफ मिनिस्टर बने थे और जालना में आप मुझे मालूम होगा समता परिषद की बड़ी मीटिंग हुई, 1 लाख लोग जो धूप में बैठे थे पूरे एकदम गर्म,
और वहां जो है कांग्रेस स्कूल के मिनिस्टर वगैरह सब से मुख्यमंत्री वगैरह मैं मंत्री था। मैंने कहा हमारा एक ही तुमको हमको कहना है कि ये मंडल आयोग जो वीपी सिंह ने जो डिक्लेयर किया कर दिया इसको अमल में लाया जाए और वहां के पावर सर्वे का एक महीने के भीतर मैं उसको अमल में लाऊंगा। उन्होंने लाया और उसके बाद में जो है ये जो बात जो बाकी बात अगर यहाँ अगर मिला है मालिक को तो वह बागवान को मिलना चाहिए। अब वो मिलना शुरू हो गया तो उसमें भी कुछ लीडर लोग आप में से निकले हमारे में जो है जाति नीति है नहीं कुछ नहीं चलता हम तो सब एक ही है एक आया वो हमारे को बोला मैं आपको कुछ मत बोला मैंने हमने क्या गलती किया क्या या हमारे समझ की बात तो यह है कि हमारी और भगवान एक है तो कैसे खाते किए गए अगर उसको मिलता है तो उसको मिलना चाहिए क्या गलत है। मगर तभी ऐसे जो है जैसे हिंदू में होते हैं वैसे आप में भी है लेकिन बिल्कुल नहीं हमारे में ये सारे मुसलमान एक ही है इसमें कोई जो है बात बात नहीं होता अरे ये जाति बात कुछ नहीं होती ये देखो भाई ये देश में जो है एक एक चीज मिलने के लिए सालों लग जाते हैं लड़ाइयां लड़नी पड़ती है। अब जब हमको कुछ मिलता है तो हम लोगों में जो है ऐसे विद्वान जो है पैदा हो जाते हैं कि कहते हैं कि नहीं ये नहीं ये बिल्कुल तो बात ये है कि अभी भी जो है ये अच्छा हुआ कि आपने जो ये लड़ाई जारी रखी और इसलिए जो है जो भी कुछ लोग लगे हैं जो भी उनको कुछ थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा कुछ भी मिला है मिला तो है भाई लेने की कोशिश करो आगे के लिए लड़ो। अब ये जो है मैंने उतावर ठाकुर बात की मैंने जो है उनको भी मुख्यमंत्री को कहा गया ध्यान के साथ ये हमारे जो एमपीएससी जो है वो परीक्षा के वो आरक्षण जो ओपन में रहता है बात तो सही ये है कि 50% आरक्षण है ठीक है और 50% में आरक्षण में जो है करीबन जो है 20% तो मेरे ख्याल से एससी एसटी को जाता है और 30% में जो है ओबीसी को जो मिला उसमें से जो है 2.5% बन जा रही है 2.5% जो है सरकार ये वो मिलकर गोवाले को फिर 2% देना पड़ा क्योंकि गोवाले 52 होता था 52% होता था फिर उसको अंदर लाया गया तो हमने बोला ठीक है उनको दे दो 19 में दो उनको दिया 17% जो है बाकी है बाकी जो है प्रवर्ग वगैरह वगैरह हम जो है ये है आरक्षण और दूसरे जो 50% है वो खुला है इसका मतलब ये है कि इसमें हिंदू मुसलमान मराठा ब्राह्मण हरिजन एससी एसटी मालवी को भी दो भी को कोई भी आ क्योंकि वो खुला वो कॉम्पिटिशन है उसमें आप आगे बढ़ो तो उसमें हमारी जो है अगर मुसलमान भी जो है हमारी जो है लड़कियां होती हैं ऐसे जो है 200 जो बच्चे जो है उन्होंने जो है ओपन में जो कॉम्पीट किया और ओपन में कॉम्पीट करके वो पास हुए और ऐसे पास हुए कि हमारे एक दो अभी कहने की बात एक बच्चा समाज है उसमें जो है हमारी एक वर्षा भागवत करके एक लड़की उन्होंने जो है कॉम्पीट किया ओपन में तो जो ओपन में जो जमात के जो लोग थे उनको मिला ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ पॉइंट जब 119 और किसको मिला था 122 तो 122 को लेना चाहिए नहीं लिया गया रूपाली जी साहब एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए उसको 121 गुण है मार्क्स है और दूसरे जो है बड़े जाति के जो है उसको 115 अब ओपन में कॉम्पेट करने के बाद देना चाहिए किसको इसको लेना चाहिए नहीं दिया प्रज्ञा कुमार से वजन समाज के हैं
जो है उसको 154 मार्क्स मिला है और खुला में जो है मिला है 94, तो 94% वाले को तुम ले रहे हो और 154% को नहीं ले रहे। तो इसके लिए जो है ये कुछ लड़कियां जो है जानकर था कोर्ट में गई, एक एक लड़की को या लड़के को 50,000 रुपया खर्चा है कोर्ट में, वो तो आता है। कोर्ट ने कहा कि नहीं इनको काम पर ले लो, तो 25-30 लोगों को जो है काम पर दिया गया। मैंने सेम साहब को भी लिखा कि भाई तुम एक 200 लोग बैठे हैं, सबका जो एक ही रोना धोना है, इसमें 25 लोग कोर्ट में जा सके, उनके पास पैसा था, तो कोर्ट ने कहा कि इनके ऊपर अन्याय इनको ले लो। जब 25 को कहा है तो दूसरे जो बचे हैं उनको भी ले लो, तो गलती क्या उसमें नहीं लिया गया अभी तक। वो बड़ोले ने कहा तो उसके ऊपर और फिर जाए कि नहीं मतलब, और मेरे खिलाफ तो जो है तो वो तो मैंने क्या मैसेज वायरल हो गया कि मैं इसके खिलाफ हूं मैं उसके खिलाफ हूं। अरे मैंने तो कानून की बात कही भाई, ये थोड़ा ही है कि 50% में ले लिया और 50% सिर्फ उनको बाकी वालों को छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं ना। अब इसके ऊपर कोई कह नहीं है, चरण मंडल को टारगेट किया जा रहा है, तो चरण मंडल दुश्मन है हमारा। देखो तो भेजता हूं तुम्हारे हमारे जो मोबाइल के ऊपर क्या क्या आ रहा है। तो डॉक्टर साहब इसके ऊपर जो ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये बात कहता हूं आपको जानकर साहब कि आपका धन समाज ओबीसी में है, प्रवर कर दिया है वो ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपको जो आदिवासी जैसी जो है फैसिलिटी मिलनी चाहिए उसमें आपको डाला जाए, वो आपकी जो लड़ाई चल रही है हमारी शुभकामना आपके साथ है। मगर ये भी ध्यान रखिए वो जब तक जब मिलेगा तब मिलेगा, मगर तब तक जो है उसको बचाने की तो कोशिश करो, उसको छोड़ो मत, तो उसको सिर्फ जो आंसर लड़ेंगे भुजबल लड़ेंगे, और आप लोग ऐसा मत करो भाई, नहीं तो ये भी गया ना वो भी गया। क्योंकि जब जो कुल्हाड़ी चलेगी तो उसमें हम ही सिर्फ नहीं लगने जाएंगे, आप लोग भी लगने जाएंगे, बिल्कुल पीछते जाएंगे। तो इसलिए जो है जो मिला है आगे का दूसरा आप चाहते हैं उसके लिए कोशिश करो, मगर बचाने के लिए तो कोशिश करो। ये मेरे जो मेरा जो है आपको जो है कहना है, कहने के लिए जो बहुत सारी बातें हैं, हम जहां भी जाते हैं ना हमारी तो सारी जो है स्वागत से बंद कर दी, तो स्वागत से बंद हुई कि नहीं होगी। यही स्कॉलरशिप लेकर जो है कितने हमारे बच्चे जो डॉक्टर हुए इंजीनियर हुए आईटी जो ये वो फॉरेन मेल है वो स्कॉलरशिप ओपन कर दी। आई नो आईटी भी जो है हमारा आरक्षण था, उसी लिए मिनिस्टर होने के बावजूद डिप्टी मिनिस्टर था उसके बावजूद मैं जनता मंदिर के जो रास्ते बताया हुआ बैठा था और कहा कि जो एक शादी शिक्षण संस्था है उसमें हमको आरक्षण चाहिए, और हमारा भाग्य अच्छा था कि अपने जो अर्जुन सिंह साहब थे वो अचार मिनिस्टर थे और उन्होंने जो है वो कैबिनेट में लाया और सब के सपोर्ट कर दिया और आईआईटी में हमको आरक्षण मिल जाए, वो आरक्षण अभी निकल दिया है। अरे और हमारा जो नहीं मिला उसके लड़के पुलिस में हम जा रहे हैं और यहाँ पे एक 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 निकल जा रहा है, तो पहले मुझे भाई तुमको इतना मिला और तुम्हारी जो है संख्या कितनी है, लोग कितने हैं आपके, लोग कितने हैं। तो हमने कहा कि भाई एक तो 1931 से 31 में 1931 में जो है ब्रिटिश लोगों ने जो है जो जनगणना की थी लोगों को जो है गिनती की थी उसमें जो है 54% है, 54% तो अभी ऐसे तो नहीं हो सकता है कि हम 54% सब लोग जो है सब फैमिली फैमिली लेते बैठे और सब लोग हमारी संख्या नीचे आए, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई।
तो 54 का 55 होगा या 53 होगा या 52 होगा। अब उसमें भी तुमने जो हमको 54% नहीं दिया, दिया तो सिर्फ 27% उसका आधार दिया। बिल्कुल तो मानो और नहीं मानते हैं तो गिनो। ये बात हम 20-25 साल से जो है बार बार ये समय आपको समय गुप्ता जब एमपी थे तब उन्होंने इस बात को उठाया और हमारे जो है भाई मुंडे का तुरंत जो है जमीन को जो है साथ में लिया। चल क्या ये बिल करना चाहिए लालू प्रसाद यादव मानना से मायावती लाल मुलायम सिंह शरद यादव सबको मिलकर जो है मेरा कोई कोई क्या है मोहिले बुला कैबिनेट में जो है फिर से जो है बाकी के जो है सब सब सपोर्ट कर दिया। फिर होनी चाहिए क्यों गिनती क्यों होना चाहिए क्योंकि आज के जो हमारी जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है सुमित्रा महाजन जी उनके अध्यक्षता में पार्लियामेंट की एक कमेटी बनी कि ओबीसी को कैसे जो है उसके उन्नति के लिए कैसे काम किया जाए फंड्स कैसे दिया जाए। तो उनकी जो है कमेटी ने लिखा सीधा कि इनको मदद देने की आवश्यकता है मगर इनका पूरा डाटा जो है हमारे पास नहीं है मार्क्स हमारे पास नहीं है इसलिए जो सार्वत्रिक जो है 10 साल के बाद लोगों की जो जनगणना होती है गिनती होती है सेंस होता है तो उसमें जो है किया जाए। दूसरी एक कमेटी हुई मनमोहन सिंह अध्यक्ष ने उन्होंने भी लिखा कि देना तो है मगर डाटा नहीं है तो कितना दिया जाए तो लोग कितना है क्या है ये ओबीसी के लोग उनकी महिलाएं क्या शिक्षा कितनी उनकी हुई है वो लिखी पढ़ी है या नहीं है वो कष्ट की जो है मेहनत की काम कितना करती है बीमार कितने रहते हैं कितने लोगों के पास घर है कितने पास लोगों की जो है नौकरियां है ये सब डाटा जो जमा करना चाहिए तभी हम उसको जो है वो फंड दे सकेंगे। क्योंकि अगर ये हुआ तो जैसे जो दलित समाज एससी को या एससी जो हमारे जो आदिवासी है उनको जैसा बड़ा फंडिंग मिलता है हम लोगों को फंडिंग मिले और घर बार शिक्षा ये वो नौकरी है उसमें जो है जरा पैसा मिले। अब पार्लियामेंट में बात आई पार्लियामेंट में बोला गया कि हाँ हम जो है गिनती करेंगे हम खुश हमने बोला क्या हुआ मगर वो जो गिनती करना था वो करना था जो उसके लिए मशीनरी है जैसे इलेक्शन कमिश्नर रहता है वैसा इसका भी एक कमिश्नर है उसके जरिए करना था तो उसके जरिए नहीं किया उसका गिनती भी नहीं किया वो हमारा ग्राम विकास खाता है उसके जरिए जो है गिनती कर और मुंडे साहब बोलू अरे भेड़ की भाई की बकरियां कितनी है उसकी उसकी भी गिनती होती है और हमारे हम लोग कितने उसकी गिनती क्यों नहीं होती तो गिनती हुई मगर जो है वो गलत ढंग से हुई और इसका कोई नतीजा जो है बाहर नहीं निकला और हम लोग कितने हैं तो अभी तो पता अब जो है राजनाथ साहब ने कह दिया अब हमारे दिन में जो है एक बार तो जो है ठोकर रख चुकी है भाई बहुत हंसे थे लड्डू खाए थे क्या और फिर फंस गए थे अभी मैं बोला फिर से फंसने की बात आई क्या फिर से अभी लड्डू बांटे बहुत अच्छा हुआ और फिर से वही जो है तो सब जगह तो वही हाल है फिर से बोलेंगे ये और एक चुनावी जुमला करे तो करे क्या ये सारी कठिनाइयां जो है एक नहीं दो नहीं सारे ढेर सारी कठिनाइयां जो है तुम्हारे हम हमारे सामने है भाई मगर अब इसके लिए जो है ना लड़ना पड़ेगा इसके लिए एक होकर आवाज उठाना पड़ेगा ये अगर आप तो चुप बैठे तो बस ठीक है कोई लड़ेगा मिलेगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा तो क्यों क्या चुप बैठे ऐसा चुप बैठने से जो है कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा भाई कठिनाई कभी है लाख दलदल हो पाव जमाए रखो लाख दलदल हो पाव जमाए रखो हाथ खाली सही
ऊपर उठाए रखो। कौन कहता है कि छन्नी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि छन्नी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखो, बन ही जाए वो भी हो जाए। मैं ऐसे भी जो है मेरा मतलब बाद में की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट नगर जो है, जब ओबीसी की बात चलती है तो हमारा वो जरा वीक पॉइंट होता है, उसमें मैं भूल जाता हूँ कि कितना कहना चाहिए कितना समय की बात भूल जाता हूँ। मैं आप सबको एक प्रार्थना करना आया हूँ कि भाई आप जहाँ भी है आओ कराकर जो है खड़े हो जाओ, और जब ओबीसी की आवाज आए तो एक होकर जो है उसके लिए आवाज को बुलंद करो। आप जहाँ बुलाएंगे मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ओबीसी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भुजबल साहब का, जिन्होंने बहुत पिन पॉइंटेड अंदाज में ओबीसी से जुड़े हुए तमाम मसाइल रखे।